जबलपुर की विजयनगर पुलिस ने बम और पिस्टल की नोक पर लूट करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस मामले के 2 आरोपी पूर्व में ही गिरफ्तार किए जा चुके थे, वहीं एक अन्य आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर आगे की कार्रवाई शुरू कर दी है। बताया जा रहा है कि इन आरोपियों ने विजयनगर थाना क्षेत्र के शिवनगर निवासी राहुल तिवारी के घर पर बम फेंके थे और फ्यूजन बार में पिस्टल की नोक पर लूट को अंजाम दिया था। वहीं वारदात सीसीटीवी में कैद हो गई थी, जिसकी शिकायत राहुल तिवारी ने विजयनगर थाने में दर्ज कराई थी। इस शिकायत के बाद पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर आरोपियों को गिरफ्तार किया है। इस पूरे मामले को लेकर विजयनगर थाना प्रभारी का कहना है कि हनी यादव और गुन्नी उर्फ अभिषेक की पूर्व में ही गिरफ्तारी की जा चुकी है। वहीं तीसरे आरोपी दुर्गेश विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया गया है। दुर्गेश विश्वकर्मा के खिलाफ थाने में एक और मामला दर्ज है। फिलहाल इन 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है। शिवनगर विजयनगर के शिवनगर एरिया में राहुल तिवारी द्वारा एक रिपोर्ट लिखाई गई थी कि कुछ अज्ञात व्यक्ति द्वारा उनके घर में बम पटके गए थे, जिसकी रिपोर्ट दर्ज करके आरोपियों की तलाश की गई। इसमें हमको जो आरोपी सीसीटीवी फुटेज में दिखाई गए उनके आधार पर हम लोगों ने 3 आरोपियों को पकड़ा, 2 आरोपियों को पकड़ा। पूर्व में गिरफ्तारी मतलब गुल्ली उर्फ अभिषेक गोस्वामी और हनी यादव की हो चुकी है। आज दिनांक को हम लोगों ने दुर्गेश विश्वकर्मा को पकड़ा। दुर्गेश विश्वकर्मा एक अन्य मामले में भी है, फ्यूजन बार में जो उसी घटना के दूसरे दिन इन लोगों के द्वारा कट्टा चमका के और ज़बरदस्ती बोतल शराब की बोतल लेकर गए थे, जो मामला अभी विजयनगर में दर्ज किया गया है और आगे भी और आरोपियों की गिरफ्तारी होना है। NSA का प्रकरण आगे और लगाया जा रहा है।